भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों ने 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एक संयुक्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा पर आना ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता को क्षेत्र की सफलता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी बताया। पीएम ने मछुआरों के मुद्दे पर कहा कि ये एक मानवीय आधार वाला विषय है और इसे हल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने संयुक्त संबोधन में भारत को श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों में पुनर्वास के प्रयासों में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत के साथ व्यापार, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चुनाव के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 160 सीटों पर पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर के विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के 13वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे में छात्रों को उद्यमी बन दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 1965 के भारत पाक युद्ध पर आयोजित प्रदर्शनी शौर्यांजलि का उद्घाटन किया। राजपथ पर 700 मीटर के दायरे में फैली शौर्यांजलि प्रदर्शनी में कुल 28 हॉल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1965 की लड़ाई में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कल गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में छोड़ेंगे और इसी के साथ ये नदियां आधिकारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। बुधवार को इसके लिए इब्राहिमपट्टनम गांव के पास एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस साल पेरिस में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के शिष्टमंडल के प्रमुखों से मुलाकात की। बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विश्व को जलवायु न्याय के सिद्धांत के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है। बिजली और नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिजली उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना लोगों को बिजली मुहैया कराने का सबसे तेज उपाय है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोगैस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बिजली मंत्री ने बताया कि भारत छोटे पैमाने पर और कम लागत वाली स्वच्छ बायोगैस प्रौद्योगिकी में दुनिया में सबसे आगे है। औद्योगिक जगत के सामाजिक दायित्व के महत्व को दर्शाते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत कुमार गीते ने आज नई दिल्ली में आयोजित हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेमिनार में कहा कि CSR के अंतर्गत उद्योगपतियों को 2% से ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में निचले तबके से जुड़े लोगों को उचित अवसर मिल सके और इस कोष की मदद से प्रगति हो सके। बीते कुछ महीनों में देश में व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। व्यापार में निरंतरता और होने वाले नुकसान, नीतियों का विकास और अवसरों के इस्तेमाल के लिए नई दिल्ली में 10वें सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में वनों के विकास के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी की योजना की घोषणा की। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते आज बाजार में गिरावट का रुझान रहा। सेंसेक्स 151 अंकों की कमजोरी के साथ 25,706 के अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक गिरकर 7,829 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने आज 25,650 के नीचे के स्तर तक गोता लगाया तो निफ्टी 7,800 के नीचे फिसल गया। दिग्गज शेयरों की तरह आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी जोरदार पिटाई हुई। पेंटागन ने भारत के साथ अपने रक्षा रिश्तों को बढ़ाने के लिए तथा देश में हाईटेक सैन्य साजो सामान के सह विकास और सह उत्पादन को तेजी देने के लिए अपनी तरह का पहला प्रकोष्ठ बनाया है। रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के फरवरी में पेंटागन का कार्यभार संभालने के फौरन बाद इसकी स्थापना की गई। भारत ऐसा पहला देश है जिसके लिए पेंटागन के अंदर इस तरह का विशेष प्रकोष्ठ है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसका प्रमुख परमाणु संयंत्र योंगब्योन कॉम्प्लेक्स अब पूरी तरह से चालू है। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA ने कहा है कि उनका देश गुणवत्ता और संख्या दोनों ही लिहाज से परमाणु हथियारों में सुधार कर रहा है। योंगब्योन रिएक्टर साल 2007 में बंद था लेकिन 6 साल बाद उत्तर कोरिया ने तीसरे परमाणु परीक्षण के बाद उसे दोबारा शुरू करने का प्रण किया था।
शरणार्थियों को लेकर यूनान जा रही नौका के तुर्की के दक्षिण पश्चिम तट पर मंगलवार को डूबने से इस पर सवार 11 महिलाओं और 4 बच्चों सहित कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। तुर्की तटरक्षक बल ने यूनान के द्वीप कोस के पास डाटका के तट पर डूबी लकड़ी की नौका से 211 विस्थापितों को बचाया है। विस्थापितों के नागरिकता का फिलहाल कोई पता नहीं चला है। माल्कम टर्नबुल ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंगलवार को शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही वो 8 वर्षों में देश के 5वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। गवर्नर जनरल पीटर कोसग्रोव ने टर्नबुल को शपथ दिलाई। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी में आंतरिक विद्रोह के कारण टोनी अबॉट को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद टर्नबुल को प्रधानमंत्री चुना गया है।